दिनकु दिन ग्रीष्म प्रवाह बढ़िबारे लागिछि। दिन 10टा परे घरु बाहरिबा मुश्किल होइ पडुछि। निजकु सुरक्षित रखिबाकु लोके छता पानी बोतल व्यवहार करुछन्ति। ग्रीष्म प्रवाह वृद्धि हेउथुबारु सहररे लसी ओ थंडा पानीय दोकानने भिड़ लागुछि। किंतु वर्तमान पर्यंत सहररे जलछत्र खोला जाय नथिबा बेले वाटर एटीएम गुडीक अचल होइ पडि रहिछि, जहाकु नै सहरवासीक मध्यरे असंतोष देखिबाक मिलिछि। ब्रह्मपुर सहर रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। डहडह खरारे दिन 10टा परे घर बाहर मुश्किल हो पड़ी। ए संपर्क में अधिक तथ्य देवे आम सहित रही प्रतिनिधि कैलाश बेहरा सीधासलख जोड़ी होती। कैलाश, वर्तमान जो भाई ढंग से ब्रह्मपुर में तापमात्रा वृद्धि पाई, से ही अनुसार जो सबू पानीय जल जोगाई देवाई व्यवस्था करा जाय थिला प्रशासन पक्षर, वाटर एटीएम हो, लोक मानू पीवा पानी टैंकर माध्यम रे जोगाई देवा हो, से सब व्यवस्था केते दूर सठिक करा जिबो, केते स्वल्प समय भितर ठीक करा जिबो, से दिगरे प्रशासन कौन पदक्षेप नेलानी वर्तमान सुधा ब्रह्मपुर? देखो निहाती एवं तपन जदि कह एप्रिल पहिलारु ही ब्रह्मपुर सहर रे ढड़ खरा हो निहाती एवं गोटे 10टा समय होगापर घर बाहर एक प्रकार मुस्किल होती। जो मैंने घर बाहर को बाहर की जाने निजर सचेतन हो जाऊँ, टपी हो अथवा पा बोतल हो सब धरी जाऊँ, कि बर्तमान सुधा दुखर विषय जे ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्षर कौन प्रकार जल छत्र हो अथवा 2018 मसीह अचल हो रही वाटर एटीएम गुड़ी कार्यक्षम कराऊना, जहाँफल सहरवासी मध्य निश्चित गोटे असंतोष देखिए मिलती। आम सहित किसी सहरवासी जोड़ी होती सीधा भाव पचार बुझा कौन कहे बर्तमान खरा कमी है के प्रभाव पड़ी कमी जातायात हो देखो। वैशाख मस आरंभ हो गला खरार प्रबल प्रभाव एवं गुड़गुड़ हो दिन 12टा 11टा पर बाहर निछा होनी। बर्तमान समस्ते टोपी पिंधतु और चश्मा पिंधतु और जलछत्र निजर शोष मेटातु जो द्वारा निज जीवन बचे पारे आजथा बाहर न बुली आम सुरक्षित स्थान रे भल हम कौन कह आज्ञा। बर्तमान खरा तो है गोटे पटे जल छत्र आरंभ कर वाटर एटीएम कराई थी 2018 मसीह कि समय जाए चलता बंद है। देखो तो ब्रह्मपुर सहर दक्षिण ओडिशार प्राण केन्द्र, ये प्राय व्यावसायिक विभिन्न कारण बाहर भी बहुत लोग आसती, तेणु ये व्यापक भाव जल छत्र आवश्यक रही। वाटर एटीएम जाक आम जो या कार्यक्षम कर आवश्यक रही, विशेषकर यही समय आपणकर ब्रह्मपुर में 100 ऊर्ध म्युनिसिपालिटी पक्षर आगे आप जल छत्र आरंभ होता बाहर विभिन्न स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मैंने आम जल छत्र आरंभ करूँ, तेणु ताकि व्यापक करवा आवश्यक रही। जेहेतु प्रचंड तापर सनस्ट्रोक हबार जो आम आगुरी सनस्ट्रोक्र भय भी रही है वर्ष आशंका करेतु आपणमात्रा ओडिशा ब्रह्मपुर बहुत अधिक मात्रा अच्छी, तेणु आशा करवा प्रशासनिक विभिन्न अनुष्ठान मैंने आगे आसवा उचित जनसाधारण मध्ये सतर्क रहा आवश्यक रही। आप कौन कहते हैं देखुन बर्तमान सुधा जल छत्र आरंभ कर वाटर एटीएम कार्यक्षम होनी जो खूब शीघ्र हेल्ले लोक मैंने उपकृत होता कि निश्चित भाव में अंशुघात कथा मन भितर उठिले स्वतस्फूर्त भाव गोटे भयंकर भय सृष्टि हो। 1998 मसीह कथा मन पड़ जाऊँगी अंशुघात शह शह लोक हजार हजार लोक रास्ता पर ठाए ठाए कर मरीगले बर्तमान से समय आसी कि गत कोरोना पीरियड में प्रशासनिक से रिक्वेस्ट हो कि लोकंर ये जो हो जागरण जो हो लोक 2 वर्ष घरे रे अंशुघात प्रभाव आम उपर पड़ानी कहली चले, कितु एवं प्रशासन सतर्क हो समस्ते सवधानत चल बर्ष प्रचंड खराब एवं 9टा अध समय प्रबल खरा अनुभूत होेणु आगामी दिन में प्रशासन आम देखा आंबपुर आरंभ कर फास्ट गेट पर्यंत गोटेल रोड सैड्रे स्टाण पोस्ट ना लोकटे ब्रह्मपुर सहर दक्षिण ओडिशार प्राणकेंद्र राति पाइले लक्ष लक्ष लोक एठाक आसती पेट पटना कहतु कि अफिसीयल काम कहतु कि मेडिकल कहतु प्रत्येक ब्रह्मपुर सहर ही डिपेंडेंट, किंतु ए फास्ट गेट टू आरंभ करी आम आंबुपा पर्यंत रोड साइड गोटे स्टैंड पोस्ट ना, तेणु मु रिक्वेस्ट कर प्रशासनिक अधिकारी मानक से निश्चित भावे युद्धकालीन भितर स्टैंड पोस्ट करूँ अंत ये खरा दिन स्टैंड पोस्ट कार्यक्षम होगा दरकार। सहित वाटर एटीएम जोड़ा थिला 2018 मसीह भाई कहते वाटर एटीएम 2018 मसीह कि आज पूरा एकदम जराजग्द बंद हो पड़ी। वाटर एटीएम जोड़ा आम पुराना बस स्टैंड स्टेशन पाखे थी कहतु लोक 5 टा 2 टा विनिमय पाते यथाशीघ्र कार्यक्रम करूँ एवं स्टैंड पोस्ट निहाती भाव करूँ। ए धर्म को आखिठार भाया विराट बड़ पा टैंकी रखिदेव से पा ही नी जोगली किए न्यवस्था नक पा जमी लोक पाइबे और ये अंशुघात
ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ମୋତେ ଆଜିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଅଛି 2010 ମସିହାରେ ଏଇ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପାଇଁ ବୋଲିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ଆଜି ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନା ନାହିଁ, ପାଣିରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା। କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ କରାଯାଉ, ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଉ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ରହିଛି ସେଠି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କାରଣ ଖରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜଳ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ।